नमस्कार दोस्तों, आज इस हथेली पर एक विशेष विषय पर हम एक विशेष आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और विश्लेषण का विषय है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच बने हुए क्वाड्रेंगल ग्रेट रेक्टेंगल के बीच में भाग्य रेखा पर बनने वाला क्रॉस और उसका प्रभाव। बहुत सारे सो कॉल्ड जो विद्वान हैं हस्तरेखा के, उन्होंने इस क्रॉस को बड़ा शुभ माना है, मिस्टिक, चमत्कारी। लेकिन धरातल पर यह बहुत ही घातक। कैसे, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, हथेली पर यह आपकी हृदय रेखा, यह आपकी मस्तिष्क रेखा, यह आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा उठी और ब्रेन लाइन को क्रॉस करके, हार्ट लाइन को क्रॉस करके शनि पर्वत तक पहुंची। ऐसे में हृदय रेखा की एक शाखा उठी थोड़ी डायगनल और भाग्य रेखा काटते हुए मस्तिष्क रेखा में आके मिल गई, या मस्तिष्क रेखा की एक शाखा उठी और हृदय रेखा को छू दिया भाग्य रेखा को काटते हुए। इससे क्या हुआ, इस क्वाड्रेंगल के अंदर भाग्य रेखा पर एक क्रॉस बन गया। अगर हृदय रेखा की शाखा से बना है तो भी इतना घातक नहीं, अगर मस्तिष्क रेखा की शाखा से बना है तो भी इतना घातक नहीं। अगर यह क्रॉस बना है आक्रमक मंगल के क्षेत्र से निकलने वाली राहु रेखा से, राहु रेखा ने पहले काटा जीवन रेखा, फिर मस्तक रेखा, फिर भाग्य रेखा और फिर छू लिया हृदय रेखा को। अब ये बहुत घातक हो गया, कोई मिस्टिक विस्टिक नहीं, बड़े घातक परिणाम देगा, दुखद। यदि काटने वाली रेखा राहु रेखा है तो जीवन बर्बाद, तबाह। जातक पैसे पैसे को मोहताज हो जाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा, बिल्कुल भिखारी बन जाएगा, बिल्कुल तबाह, दिवालिया। सांसारिक उपलब्धियों के मामले में जीरो। हो सकता है कि उसके पास साइकिक एबिलिटीज हो, लेकिन इस भौतिकवादी युग में अगर जातक के पास में सांसारिक उपलब्धि नहीं तो जीवन जीरो हो जाता है। जब क्रॉस बनता है और राहु रेखा से बना है तो सांसारिक उपलब्धि जीरो, जातक तबाह, संघर्ष ही संघर्ष, विफलता ही विफलता, और खासकर 35 से लेकर और 56 के बीच जातक को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अगर राहु रेखा नहीं, केवल मस्तिष्क रेखा की शाखा या हृदय रेखा की शाखा है तब इतना घातक नहीं, तब तो ऐसा जातक ओवर इमोशनल होगा, आंसू आंखों पे टके होंगे हमेशा। एक छोटा सा दृश्य है किसी फिल्म का या सीरियल का, उसको सहन नहीं कर पाएगा, ओवर सेंसिटिव हो जाएगा और उसकी धार्मिकता बिना अंधविश्वास की श्रेणी में आ सकती है। हाँ, किसी ईश्वर देवया देवी या देवता की पूजा करने वाला होगा और इस जातक पर
उस ईश्वरीय कृपा की बड़ी कृपा होती है, बड़ा आशीर्वाद बरसता है, लेकिन भौतिक उपलब्धि साथ नहीं मिलती, सांसारिक उपलब्धि नहीं मिलती, चाहे जातक कितना ही योग्य क्यों ना हो। और राहु रेखा से बना है और भी घातक, जातक बिल्कुल तबाह, बर्बाद, बहुत ही अशुभ। बस एक बात की आशा कि 35 से 55 के बीच जो ये ग्रेट रेक्टेंगल का गैप है, ये पीरियड, ये किसी तरह से निकल जाए, जातक के पास थोड़ा धीरज हो। अगर लैक ऑफ पेशेंस हुआ तो जातक तो पक्का बर्बाद, घातक, अकाल मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। लेकिन पेशेंस है, धीरज है, और उसने दुनिया भर की तकलीफ उठाकर किसी तरह से 56 क्रॉस कर लिया, तब जातक के ऊपर सफलता की बरसात होती है, वह अपार सफलता प्राप्त करता है। और खासकर धर्म के क्षेत्र में, चाहे अध्यात्म हो, चाहे ओकल्ट हो, चाहे दर्शन हो, धर्म से संबंधित बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा अल्टीमेटली। बस उसके पास धीरज होना चाहिए। उस हालात में तो ये क्रॉस शुभ हो सकता है, लेकिन अगर पेशेंस की कमी है, धीरज की कमी है, तो जातक हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, घातक कदम उठा सकता है। अगर पेशेंस है, किसी तरह से 56 क्रॉस कर दिया, फिर चमत्कार। कुल मिलाकर 90% केस में बहुत ही घातक साबित होता है, 56 तक कोई सफलता नहीं। तो इस क्वाड्रेंगल के अंदर भाग्य रेखा पर बनने वाला क्रॉस कैसा भी हो, चाहे मत्स्य रेखा की शाखा से बना हो या हृदय रेखा की शाखा से बना हो, बहुत ही दुखदाई। राहु रेखा से बना है तो और घातक। और कुदरत ने जातक को गजब का पेशेंस, धैर्य दिया हुआ है। बुध अच्छा है, बुध अच्छा होता है तो जातक के पास धीरज भी होता है। हथेली भारी है तो जातक जल्दी हताश नहीं होता, सब संकटों को पार कर जाता है, गिव अप नहीं करता। अगर जातक ने गिव अप नहीं किया, इन 20 वर्षों को किस तरह से निकाल लिया, तब सफलता उसका इंतजार कर रही है। तो क्वाड्रेंगल के अंदर बनने वाला ये क्रॉस 56 तक तो बहुत घातक, 56 के बाद बहुत चमत्कारी। आशा करता हूँ ये थोड़ा सा ज्ञान इस क्रॉस के बारे में आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।